पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम की इस तरीके से जलालत हो रही है कि यकीन करें कहने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। इतनी ज्यादा जलालत शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नहीं हुई थी जितनी इस वक्त पाकिस्तानी टीम की जलालत हो रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया में आपने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हार दी और अब न्यूजीलैंड में आपने 3 T20 मैचेस हार दिए और अभी 2 T20 मैचेस बचे हैं और आप सीरीज ऑलरेडी हार चुके हैं। बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटाया था, आप समझे थे कि पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया और बाबर आजम कितना बड़ा दर्द सर है इस टीम के लिए, लेकिन अब ना शाहिद अफरीदी जितवा पा रहा ना शाहद मसूद जितवा पा रहा। और मजे की बात आप लोगों को एक और बता दूं व्यूवर, वो ये है कि पाकिस्तान का साल बदल गया, 2023 से 2024 आ गया, फॉर्मेट बदल गए, वनडे हारे हम वर्ल्ड कप में, टेस्ट हारे, उसके बाद T20 हारे, लेकिन किस्मत नहीं बदल सकी पाकिस्तान टीम की। आज की वीडियो में बात करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट इन वी के एक और वीडियो के साथ मोहम्मद यासिर अली खान में हाजिर है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी कर दें। व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद है, 3 T20 मैचेस की सीरीज, 5 T20 मैचेस की सीरीज थी, लेकिन 3 T20 मैचेस हो चुके हैं और तीनों मैचेस में पाकिस्तान जलील हुआ है, लिटरली जलील हुआ है और न्यूजीलैंड ने ठोका है पाकिस्तानी टीम को और ऐसा ठोका है कि पाकिस्तानी टीम याद रखेगी। पहले मैच में 226, दूसरे मैच में 195 और तीसरे मैच में 224 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने और तीनों मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता, लेकिन वो अक्ल का अंदाज शाहिद अफरीदी तीनों मैचेस में टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड को बैटिंग देता हुआ दिखाई दिया। और मजे की बात एक और बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शाहिद अफरीदी कहते हैं कि हमने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि हमने रिकॉर्ड देखे थे और रिकॉर्ड ये कहते थे कि न्यूजीलैंड में रन चेज आसान होता है। अब भाई अक्ल के तुम इतने अंधे हो कि अभी जो दूसरा तीसरा T20 मैच सब कल हारे हैं मैच, उसके अंदर आखिरी 5 ओवर के अंदर शाहिद और हारिफ ने सिर्फ एक एक ओवर बचा था, एक एक ओवर बचाया हुआ था दोनों का, दोनों ने 3-3 ओवर पहले ही करा दिए थे। कप्तान साहब शाहिद अफरीदी को ये नहीं पता कि ये दोनों डेप्थ में इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, आखिरी 5-6 ओवर के अंदर तो इनके 2-2, 3-3 ओवर होने चाहिए डेप्थ के ही, तो ये लोग बॉलर थे, तो मतलब वहां तो तुम्हारे रिकॉर्ड जो है वहां पर तो तुम अंधे हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं है। और वैसे तो बैठ के बातें करते हो, यकीन करो इस वक्त पाकिस्तानी टीम ऐसी जलील हो रही है, ऐसी जलील हो रही है, बाबर आजम की आहें लगी है, यकीन करें बाबर आजम के फैंस की आहें लगी है, बाबर आजम के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हुए थे, अब इतना जलील हो रहे हैं कि यकीन करो हर कोई यही वाली बात कर रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर ठंड पै गई होगी तुम लोगों को, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर फायदा क्या हुआ? बाबर आजम तो रन अभी भी बना रहे हैं, तीनों मैचेस में वाहिद बल्लेबाज है बाबर आजम जो रन बना रहा है, उसको तुमने कप्तानी से भी हटा दिया, उसको तुमने ओपनिंग से भी हटा दिया, लेकिन वही एक वाहिद वॉरियर है जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं तो अदरवाइज इतना जलील हो रही है पाकिस्तानी टीम। और व्यूवर्स, बहुत दिन दूर नहीं है जब यही न्यूजीलैंड आपको ये सिर्फ 5 सिफर से रहेगा, अभी 3 सिफर से आप पीछे चल रहे हो, 5 सिफर से सीरीज हारोगे, मैं तो सिफर हूँ, मुझे तो यही नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि यार हमारी टीम का इतना बेड़ा गर्क हो गया इन शाहिद और शाहद के चक्करों में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।